मंगलवार को एसपी ऑफिस में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें फरियादियों की भीड़ देखने को मिली। जनसुनवाई में पहुंचे दवा कारोबारी ने बताया कि उसके साथ केन्या में करीब 9 लाख रुपए की ठगी की गई है। उसे दवा का बिजनेस शुरू करने का लालच देकर और वर्क परमिट दिलाकर लाखों रुपए कमाने का सपना दिखाया था। ठगों ने केन्या भी बुलाया, वहाँ बिजनेस शुरू करने के लिए दिए गए पैसे वापस करने से मना कर दिया। वहीं जनसुनवाई में एक और मामला सामने आया, जिसमें रिटायर्ड आर्मी के जवान से HDFC बैंक में जॉब लगवाने के नाम पर 3 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम राजेश डंडोतिया ने बताया कि जनसुनवाई में कई मामले सामने आए, जिसमें 3 ठगी के मामले और 1 जमीन विवाद का मामला सामने आया है। इन सभी मामलों को विधिवत सुना गया और इनके निराकरण के आदेश संबंधित अधिकारियों और थानों को दे दिए गए हैं। ये आज जनसुनवाई में साइबर फ्रॉड के 3 मामले सामने आए हैं। पहला मामला आया है जो कि आर्मी का जवान जो रिटायर्ड है, उसको HDFC बैंक में जॉब लगवाने के नाम पर उससे लगभग 3 लाख से ऊपर की ठगी कर ली गई है और उसको लगातार पैसा लेते रहे। और उससे बताया गया 2022 नवंबर की घटना है। और उसके बाद जब उसने पैसा 1 लाख रुपये एक बार दिया, फिर एक बार 1 लाख रुपये दिया, फिर तीसरी बार भी 1 लाख रुपये दिया और उसके बाद फिर 10,000 रुपये और दिया, 3 लाख से ऊपर का उसके साथ पैसा ले लिया जॉब लगवाने के नाम पर HDFC में, और फिर उसके बाद मोबाइल बंद आने लगे। तो ये साइबर फ्रॉड का पूरी तरीके से मामला है और इसमें इसके द्वारा जो ऑनलाइन सर्च किया गया था जॉब के लिए, तो जो ऑनलाइन जो साइट मिली थी उसको उसने बिना वेरिफिकेशन के कि ये ऑथेंटिक साइट है या नहीं, और उसके द्वारा इस तरह से वो ट्रैप हो गया और साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया। तो इसमें फिलहाल क्राइम ब्रांच को इसमें मार्क कर दिया गया, इसमें जाँच की जाकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दूसरा सेकंड साइबर फ्रॉड का एक मामला सामने आ रहा है। डबरा क्षेत्र में एक मामला सामने आया जिसमें 2 लाख की साइबर ठगी हुई है। उसमें उनके द्वारा ये बोला गया कि मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ प्रिंस, तो वो चूंकि उनका मित्र था प्रिंस बनकर उसने फ़ोन किया। उसने बोला कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, कैश चाहिए, तो मैं आपको कुछ पैसा डाल रहा हूँ और आप मुझे 20,000 रुपये मैं पेटीएम में आपके डालूंगा और आप फिर मुझे वो निकाल कर विड्रॉ करके मुझे कैश दे देना। तो पहले उसने 1 रुपया डाला तो उसने बोला कि आ गया, कि हाँ आ गया। फिर उसके बाद उसने जैसे ही स्कैन करना शुरू किया जिस व्यक्ति को, तो तत्काल उसके लगातार उसके पैसे कटते रहे और लगभग 2 लाख रुपए कट गए उसके। उसके बाद UPI फ्रॉड इसको बोलते हैं, तो UPI पिन फ्रॉड, और इसमें 2 लाख रुपए कट गए। तो उसके बाद फिर तब जाकर उसने आज यह जनसुनवाई में रिपोर्ट किया है, इसको क्राइम ब्रांच को मार्क कर दिया गया है। कभी भी इस तरह के अगर जो आपके पास कॉल आते हैं किसी रिश्तेदार के कि भाई अब मुझे मतलब अकाउंट से विड्रॉ, मैं पेमेंट आपके खाते में डाल रहा हूँ और आप विड्रॉ करके मुझे कैश दे दें, थोड़ा सा इसमें सावधानी रखें, वो आपको ट्रैप करते हैं। और कभी भी 1 रुपया डालते हैं या 5 रुपये डालते हैं, तो कभी भी अगर वो डालते हैं तो कभी भी उसको रिएक्ट नहीं करें, रिवर्ट ना करें। तो इस तरह का एक साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया जिसमें कि थाना क्राइम ब्रांच को जांच के लिए दे दिया गया है, इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। आज एक मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया है कि उसको वर्क परमिट के नाम पर 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है और उसने यहाँ एक थाटीपुर क्षेत्र में और जनकगंज क्षेत्र में 2 बैंक हैं, उसमें से लगभग 4.5-4.5 लाख रुपए का दोनों का ट्रांजेक्शन उसने उसके द्वारा ऑनलाइन पेमेंट किया गया था जो कि गुजरात के अकाउंट में गए थे। उसके बाद वो केन्या भी गया था और केन्या में उन्होंने बोल दिया कि भाई अब तुम्हारा काम नहीं होगा और पैसे भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो 9 लाख रुपए की उसके साथ धोखाधड़ी हुई है वर्क परमिट के नाम पर, मेडिसिन की सप्लाई करने के नाम पर। तो इसमें कार्रवाई की जा रही है, इसमें जांच के लिए संबंधित थाने टीआई जनकगंज को दे दिया गया, उसमें जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एक फौजी के द्वारा यह बताया गया था कि उसके प्लॉट जो उसका थाना मुरार क्षेत्र में है और उसका प्लॉट बनने नहीं दे रहे हैं, तो इसमें थाना प्रभारी मुरार को बता दिया गया है। उसमें आज जो भी वैधानिक कार्रवाई हुई वो सुनिश्चित की जाकर उसका निराकरण तत्काल निराकरण किया जाएगा। हाँ, एक मामला सामने आया है जिसमें एक आवेदक के द्वारा ये बताया गया है कि मुझे एक जमीन प्लॉट दिखाई गई और ये प्लॉट की कीमत 16 लाख रुपए है और उसके पूरा 16 लाख रुपए पेमेंट ले लिया, ना तो वो प्लॉट दे रहा है और ना ही वो मुझसे पैसा ले रहा है। प्लॉट भी ऐसा लगता है कि वो प्लॉट है ही नहीं, उसने किसी दूसरे का प्लॉट दिखाकर दिया गया है। तो इस तरह संबंधित उसने एप्लीकेशन दी जिसमें उसने कुछ एविडेंसेज भी लगाए गए हैं, अकाउंट्स वगैरह। तो उसमें फिलहाल जांच के लिए थाना प्रभारी जनकगंज को मार्क कर दिया गया।